सोनल चौहान की गिनती बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस में होती है। सोनल ने बॉलीवुड में जन्नत फिल्म से कदम रखा था और रातों रात वो लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई थी। सोनल चौहान आज अपना 35th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। बेशक सोनल चौहान इन दिनों बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर हो, लेकिन अब भी उनका काफी क्रेज देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं सोनल और एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर करती हैं। ऐसे में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। पर सोनल के डेब्यू की कहानी वाकई मजेदार है। अब जरा सोचिए, किसी रेस्टोरेंट में खाते हुए अगर किसी को फिल्म मिल जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? अरे भाई, सोनल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल फिल्म मेकर कुनल देशमुख ने सोनल चौहान को मुंबई के एक रेस्टोरेंट में देखा। बस उसी दौरान उन्होंने सोच लिया कि ये लड़की मेरे फिल्म की हीरोइन जरूर बनेगी और एक हफ्ते के अंदर सोनल चौहान को फिल्म के लिए कास्ट भी कर लिया। इसके बाद सोनल चौहान ने कई फिल्मों में काम किया। वैसे अपनी पिक्स के अलावा सोनल चौहान डेटिंग को लेकर भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में रही। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने सिद्धार्थ माल्या, नील नितिन मुकेश को भी डेट किया है। फिल्म जन्नत के अलावा सोनल चौहान बुढ़ा होगा तेरा बाप, पहला सितारा, 3G, पलटन, जैक एंड जिल जैसी फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन सोनल चौहान की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग जरूर बन गई। सोशल मीडिया पर सोनल चौहान ऐसी ऐसी तस्वीरें पोस्ट करती हैं जिसके चलते वो हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती हैं। इंस्टाग्राम पर आप जाएंगे तो देखेंगे उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, मतलब 4 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स उनको फॉलो करते हैं। इससे आप सोनल चौहान की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा ही सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।